खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उधर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो चुनौती देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। लखनऊ में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ है कि अयोध्या पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने यह तय किया है कि कोई दूसरी जगह मस्जिद मंजूर नहीं होगी। और ये आर्टिकल 25 में हमारा फंडामेंटल राइट है रिलीजन का कि हमारे इबादतगाहें तबाह न की जाएं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति कोई नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड कतई राजनीतिक इदारा नहीं है। बोर्ड ने कहा कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ना ही एएसआई ने ये कहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। साथ ही गुंबद के नीचे जन्मस्थान का कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। इसके साथ ही बोर्ड ने अयोध्या को लेकर राजनीतिक आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। आज जो मीटिंग नहीं हुई, आज हमने जो इस मुकदमे के पक्षकार हैं अयोध्या और फैजाबाद में रहते हैं तो उनसे बुला के बात की थी कि वो लोग उनकी क्या राय है। तो जितने लोग आए थे उन सब की राय ये थी कि रिव्यू भी फाइल किया जाए और जमीन ना एक्सेप्ट की जाए। असदुद्दीन ओवैसी, हम समझते हैं कि अबू बकर बगदादी में और असदुद्दीन ओवैसी में कोई अब फर्क नहीं रह गया। देखिए, अबू बकर बगदादी जो था उसके पास फौज थी, असलहा था, वो अपनी फौज और असलहे से आतंक का एक चेहरा बन गया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पास जबान है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ओवैसी के उस ट्वीट पर भड़के हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। वसीम रिजवी का आरोप है कि अयोध्या पर ओवैसी जानबूझकर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ओवैसी की तुलना जाकिर नायक से कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। दूसरा जाकिर नायक निकल रहे हैं, ज्यादा बोलेंगे तो हमारे देश में कानून कायदा तो है, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो देखा जाएगा।